नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर वीडियो नंबर 8, चारपिट्स मेथड वीडियो नंबर 8, टिपिकल एग्जांपल्स वीडियो नंबर 2, एंड इन सीक्वेंस लेट अस टेक एग्जांपल 15. सॉल्व बाय चारपिट्स मेथड. The equation p square x plus q square y equals to z. इस वीडियो में हम चाह रहे हैं कि दो टिपिकल एग्जाम्पल निपट लें और ये चारपिट्स मेथड का सिलसिला बंद हो जाए. इसके बाद फिर हम शुरू करेंगे नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर में स्टैंडर्ड मेथड्स. अभी तक जनरल मेथड, ये चारपिट का मेथड जनरल मेथड होता है. चारपिट के मेथड से ही स्टैंडर्ड मेथड डिज़ाइन किए गए हैं, उनकी बातें वीडियो नंबर 9 से शुरू होंगी. तो इसे देखा पहले आप. गिवन इक्वेशन पी स्क्वायर एक्स प्लस क्यू स्क्वायर वाई माइनस जेड इक्वल्स टू जीरो. नंबर वन, चारपिट्स ऑक्सिलियरी इक्वेशंस. आर इसे हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं और ये बुक से नहीं उतारा हमने, खुद करके देखा हुआ है, इसलिए इस पर आप भरोसा करना, सत्यापित हो गया ना, वेरीफाइड है, मैंने किया हुआ है. डी पी अपॉन पी स्क्वायर माइनस पी इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस क्यू इक्वल्स टू डी जेड अपॉन माइनस पी इंटू टू पी एक्स माइनस क्यू इंटू टू क्यू वाई इक्वल्स टू डी एक्स अपान माइनस टू पी एक्स इक्वल्स टू डी वाई अपान माइनस टू पी वाई. नंबर टू, चारपिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन सब बनाएंगे तो यही मिलेगा. टेकिंग फर्स्ट एंड फोर्थ taking first and fourth fractions dp upon p square minus p equals to dx upon minus 2px और इसी से एक नया फ्रैक्शन हम बनाने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लायर्स. p dx plus x dp upon पी डी एक्स, माने इसमें पी से मल्टीप्लाई करना है तो जाएगा माइनस टू पी स्क्वायर एक्स प्लस एक्स से इसमें मल्टीप्लाई करना है तो पी स्क्वायर एक्स माइनस पी इक्वल्स टू पी डी एक्स प्लस एक्स डी पी, माने डी ऑफ पी एक्स, चलो रहने तो इसी रहने दो, पी डी एक्स प्लस एक्स डी पी अपॉन नीचे कितना बचा, नीचे बचा माइनस पी स्क्वायर एक्स माइनस पी. ना इससे नहीं काम चलेगा, इससे नहीं होगा भैया, नीचे जो बचा उसको देख करके ही हमको लगा कि ये गलत रूट पकड़ लिए. पी स्क्वायर डी एक्स करना था. p स्क्वायर डी एक्स प्लस टू पी एक्स डी पी बराबर पी स्क्वायर डी एक्स, तो जाएगा माइनस टू पी क्यूब एक्स और टू पी एक्स से इसमें मल्टीप्लाई करना है तो जाएगा प्लस 2px, तो यह आगे 2p³x और माइनस 2p²x. अब ठीक है, ऊपर है देखो d ऑफ p स्क्वायर x है ना, देखो p स्क्वायर dx प्लस x इंटू 2p dp,
नीचे ये दोनों कैंसिल हो गया और यही बचा माइनस टू पी स्क्वायर एक्स नंबर थ्री। इसी प्रकार से सेकंड और फिफ्थ लेना है। टेकिंग सेकंड एंड फिफ्थ फ्रैक्शंस, टेकिंग सेकंड एंड फिफ्थ फ्रैक्शंस ऑफ टू, डी क्यू अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस क्यू इक्वल्स टू डी वाई अपॉन माइनस टू पी वाई, और इससे एक नया फ्रैक्शन बनाना है। हो ये कहाँ से आ गया, ये गड़बड़ है भाई, ये गड़बड़ है भाई, इसको सुधारिए। ये माइनस टू क्यू वाई है, कहाँ नजर पड़ गई मेरी उतारते समय, माइनस टू क्यू वाई ही है। ठीक है, तो यहाँ पर भी भाई माइनस टू क्यू वाई, और इसी तरह से डिजाइन करिए। क्यू स्क्वायर डी वाई, क्यू स्क्वायर डी वाई प्लस टू क्यू वाई, टू क्यू वाई डी क्यू अपॉन क्यू स्क्वायर डी वाई, इसमें क्यू स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, माइनस टू क्यू क्यूब वाई प्लस टू क्यू वाई से इसमें मल्टीप्लाई करें, तो टू क्यू क्यूब वाई माइनस टू क्यू स्क्वायर वाई इक्वल्स टू ऊपर है डी ऑफ क्यू स्क्वायर वाई अपॉन नीचे एक दोनों कैंसिल हो गया माइनस टू क्यू स्क्वायर वाई नंबर फोर। अब थ्री में जो नया वाला फ्रैक्शन बना है और फोर में जो नया वाला फ्रैक्शन बना है, इन दोनों को कंसीडर करें। लिखें फ्रॉम थ्री एंड फोर, फ्रॉम थ्री एंड फोर डी ऑफ पी स्क्वायर एक्स अपॉन माइनस टू पी स्क्वायर एक्स इक्वल टू डी ऑफ क्यू स्क्वायर वाई अपॉन माइनस टू क्यू स्क्वायर वाई, माइनस टू नीचे से बैलेंस हो जाएगा ये रहा। ठीक, समझ में आ रहा है ना। अब हम क्या करें, इंटीग्रेट कर दें। इंटीग्रेटिंग भी है, लॉग ऑफ पी स्क्वायर एक्स इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग ऑफ क्यू स्क्वायर वाई इंप्लाइज दैट पी स्क्वायर एक्स इक्वल टू ए क्यू स्क्वायर वाई नंबर फाइव। वन के साथ इसको मिक्स करके सॉल्व करना है। वन हम मिटा दिए, फिर से लिख दें, ये है पी स्क्वायर एक्स प्लस क्यू स्क्वायर वाई इक्वल टू जेड नंबर वन। फ्रॉम वन एंड फाइव पी और क्यू की वैल्यूज निकालिए। फ्रॉम वन एंड फाइव पी स्क्वायर एक्स की जगह ये रख दिया हमने ए क्यू स्क्वायर वाई प्लस क्यू स्क्वायर वाई इक्वल्स टू जेड इंप्लाइज दैट ए प्लस वन मल्टीप्लाइड बाय क्यू स्क्वायर वाई इक्वल्स टू जेड इंप्लाइज दैट क्यू स्क्वायर इक्वल टू जेड अपॉन ए प्लस वन इंटू वाई इंप्लाइज दैट क्यू इक्वल्स टू अंडर रूट जेड अपॉन ए प्लस वन मल्टीप्लाइड बाई वाई एंड पी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर इक्वल टू ए बाई एक्स यहां से ए बाई एक्स इंटू क्यू स्क्वायर वाई
इक्वल्स टू ए बाई एक्स इंटू क्यू स्क्वायर वाई की वैल्यू, यहाँ से जेड अपान ए प्लस वन, और इस प्रकार से p बराबर आ गया अंडर रूट ए जेड अपान ए प्लस वन मल्टीप्लाइड बाई एक्स। एक आया z अपान ए प्लस वन इंटू वाई, एक आया ए जेड अपान ए प्लस वन इंटू एक्स। अब वही फंडामेंटल फार्मूला ऑफ डिफरेंशियल dz इक्वल टू p dx प्लस q dy कंसीडर कराएं, उसमें p और q की इन वैल्यूज को रखें, इंटीग्रेट करें। नाउ dz इक्वल टू p dx प्लस q dy इक्वल्स टू p यानी कि अंडर रूट ए जेड अपॉन ए प्लस वन इंटू एक्स डी एक्स प्लस क्यू अंडर रेडिकल जेड अपॉन ए प्लस वन इंटू वाई और डी वाई। क्या कॉमन है, क्या कॉमन है बताएं? अंडर रूट जेड अपॉन ए प्लस वन कॉमन है। अब क्या बचा? अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट एक्स डी एक्स प्लस वन अपॉन रूट वाई डी वाई, इसे इधर ले आए। इंप्लाइज दैट रूट ए प्लस वन डी जेड अपॉन रूट जेड इक्वल्स टू रूट ए अपॉन रूट एक्स डी एक्स प्लस वन अपॉन रूट वाई डी वाई। Implies that under root a plus 1 z to the power minus 1 by 2 dz equals to root a x to the power minus 1 by 2 dx plus y to the power minus 1 by 2 dy. Integrating we get टू अंडर रूट ए प्लस वन इंटू रूट जेड, ठीक है ना? वन ऐड करेंगे तो वन माइनस वन बाई टू वन बाई टू अपॉन वन बाई टू, माने टू से मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल्स टू टू रूट ए रूट एक्स प्लस टू रूट वाई प्लस टू रूट बी लेना, ताकि टू कैंसिल हो जाए और बस फाइनल आंसर यही हो गया। अब इसमें और क्या कर लेंगे? रूट ए प्लस वन इंटू रूट जेड इक्वल टू रूट ए एक्स प्लस रूट वाई प्लस रूट बी। अच्छा लग रहा है, बी लिखो, टू बी है, आर्बिट्री कांस्टेंट बी लिखिए, रूट बी लिख देंगे तब भी गलत नहीं है, अच्छा लगेगा, आंसर मिला ले। ठीक, लास्ट में जरूर लिख दिया करो वेयर ए एंड बी आर आर्बिट्री कांस्टेंट्स। तो चार पिट इक्वेशन डायरेक्ट लिखने से देखिए समय बचा, ऐसे एक एग्जाम्पल और हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 16 सॉल्व बाय चारपिट्स मेथड। Equation z square equal to pqxy, z square equal to pqxy। तो टिपिकल एग्जाम्पल्स के नाम पर हमने आपको तीन एग्जाम्पल्स बताए, और ये तीनों पर स्टार लगवा दिए। स्टार लगाने का मतलब ये है कि अपने नोट्स को आप जब दोहराइए, जब भी रिवीजन करिए, तो स्टार लगे हुए एग्जाम्पल्स को जरूर से दोहराइए, लिख लिख के पेन पेपर रिवीजन। वैसे कभी कभी तो सलूशन पे नजर पड़ती है तो लगता है ठीक है, याद आ जाता है सब चीज।
अगर खुद से किया हुआ है तो। तो यहां भी थोड़ा शॉर्टकट मार दे रहा है, एफ जेड स्क्वायर माइनस पी क्यू एक्स वाई लिखो, चाहे पी क्यू एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर, फिलहाल हम ये लिख करके किए हुए हैं वही उतारेंगे चार फिट्स वाला। चार पीट्स ऑक्सिलियरी इक्वेशंस आर, डी पी अपॉन माइनस पी क्यू वाई प्लस टू पी जेड इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन माइनस पी क्यू एक्स प्लस टू क्यू जेड इक्वल्स टू डी जेड अपॉन टू पी क्यू एक्स वाई इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन क्यू एक्स वाई इक्वल्स टू डी वाई अपॉन पी एक्स वाई। नंबर टू, टेकिंग फर्स्ट एंड फोर्थ फ्रैक्शंस taking first and fourth fractions dp upon minus pqy plus 2pz equals to dx upon qxy और इसी से नया फ्रैक्शन फॉर्म करने जा रहा है। पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई अपॉन पी डी एक्स, तो ये हो गया पी क्यू एक्स वाई क्यू पी डी एक्स प्लस एक्स डी पी। वाह भाई गुरु जी इतना तेजी से मार दी, इसमें एक्स से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा माइनस पी क्यू एक्स वाई प्लस टू पी जेड एक्स, ये दोनों कैंसिल हो गया इक्वल्स टू डी ऑफ पी एक्स अपॉन टू पी जेड एक्स। बेहतर है कि इसको मैं सीधा रहने दें और पी डी एक्स प्लस PDX plus XDP, PDX plus XDP, इसको बेटा ऐसे रहने दो पी डी एक्स प्लस एक्स डी पी, इसे इसके साथ लिया जाए थर्ड फ्रैक्शन के साथ। टेकिंग इट, टेकिंग इट विथ थर्ड फ्रैक्शन ऑफ टू पी डी एक्स प्लस एक्स डी पी अपॉन टू पी जेड एक्स इक्वल्स टू डी जेड अपॉन टू पी क्यू एक्स वाई, क्या क्या कैंसिल होगा टू पी एक्स टू पी एक्स, ये हो गया पी डी एक्स प्लस एक्स डी पी अपॉन जेड इक्वल्स टू डी जेड अपॉन ना कैंसिल कर देंगे सब बिगड़ा जा रहा है ना, तो इसको रखिए टू पी जेड एक्स, अच्छा टू तो हटाए दे टू तो हटाए दे टू टू हटा दे पी क्यू एक्स वाई को ये लिखिए पी क्यू एक्स वाई को जेड स्क्वायर लिखिए, बाप रे बाप, और लिखिए बाई वन कैसे कैसे देखो टर्न लेता है इन सब क्वेश्चन में सोल्यूशन।
अब एक जेड और कैंसिल हो गया, इंप्लाइज दैट पी डी एक्स प्लस एक्स डी पी अपॉन पी एक्स इक्वल्स टू डी जेड अपॉन जेड। बाबा रे बाबा, अब जा करके रास्ता एकदम क्लियर चमका है। इंटीग्रेट करिए दोनों तरफ, इंटीग्रेटिंग वी गेट log px इक्वल्स टू log a इंटू जेड कर दो इकट्ठे, log ए जेड इंप्लाइज दैट px एक्स इक्वल टू ए जेड इंप्लाइज दैट p इक्वल टू ए जेड बाई एक्स। नंबर थ्री, फ्रॉम वन एंड थ्री, वन तो याद होगा ना, वन था जेड स्क्वायर इक्वल टू टू पी एक्स वाई, ये रख ही रखे हैं देखो, ये जेड स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू एक्स वाई, तो पी एक्स इंटू क्यू वाई इक्वल्स टू जेड स्क्वायर, ये नंबर वन देखो पी एक्स इंटू क्यू वाई इक्वल टू जेड स्क्वायर। अब पी एक्स की जगह ए जेड रख दें, इंप्लाइज दैट ए जेड इंटू क्यू वाई इक्वल टू जेड स्क्वायर, एक जेड कैंसिल हो गया तो जाएगा ए क्यू वाई इक्वल्स टू जेड, और इस प्रकार से क्यू आ गया जेड अपान ए वाई, तो पी और क्यू की वैल्यू हमें मिल गई। नाउ डी जेड इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई इक्वल्स टू ए बाई एक्स जेड डी एक्स प्लस वन अपॉन ए वाई जेड डी वाई, जेड को हटाएं, इंप्लाइज दैट डी जेड अपॉन जेड इक्वल्स टू ए इंटू डी एक्स अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन ए इंटू डी वाई अपॉन वाई, इंटीग्रेट कर दो हो गया। तो अगले वीडियो से हम शुरू करेंगे नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैंडर्ड फॉर्म्स, जो कि चारपिट मेथड्स यानी जनरल मेथड की मदद से ही डिजाइन किए गए हैं। इंटीग्रेटिंग वी गेट यदि आप एक बार से अधिक हमारे वीडियोस देखते हैं तो आपका फर्ज बनता है कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें। log z इक्वल टू ए log x प्लस वन बाई ए log y प्लस log b, फाइनली द सोल्यूशन कंप्लीट सोल्यूशन इज z इक्वल टू x टू दी पावर a इंटू y टू दी पावर वन अपॉन a इंटू b, तो b किनारे नहीं अच्छा लगता, इधर बाई तरफ रखो, इट इज कंप्लीट इंटीग्रल ए बी बीइंग आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स। बीइंग आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स, थैंक यू।